नमस्ते दोस्तों, मस्त मस्त मसाला रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शाही पूरी। तो चलिए चलते हैं नई रेसिपी के साथ। एक बाउल में मैदा, नमक, चौथाई चम्मच मीठा सोडा डाल के अच्छे से मिला लेंगे। दो छोटे चम्मच तेल डाल के अच्छे से मिलाएंगे। बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे। मैदे में घी या तेल का मोरन ज़रूर डालें। अगर हम मोरन नहीं डालेंगे तो चपाती कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो बनाएंगे। डो चपाती की तरह होना चाहिए। ऊपर से तेल डालकर आटे पर चारों तरफ से तेल लगा लेंगे ताकि आटा सूखे ना। मैदा ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। अब इसे ढक्कन देके आधे घंटा के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। बाउल में बेसन लेंगे, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालकर अच्छे से मिला लेंगे। छोटे तीन चम्मच तेल डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, फिर पतला घोल बनाएंगे। ध्यान रहे पानी एक साथ ऐड नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, बेसन का पतला घोल बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी रेसिपी परफेक्ट बने। आप देख सकते हैं घोल इस तरह से पतला बनेगा। अब इसमें धनिया पत्ती डालकर अच्छे से मिला लेंगे और ढक्कन देके 5 मिनट इसको रख देंगे। उबले हुए आलू को हाथ से मोटे मोटे मैश करेंगे इस तरह से। आलूओं में नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालकर अच्छे से मिला लेंगे। आलू में सारे मसाले अच्छे से मिला दिए हैं। पैन में तेल गरम होने के बाद जीरा डालेंगे। जीरा चटकने के बाद करी पत्ता, आलू का मसाला डालकर अच्छे से मिला लेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे। आलू के मसाले को 5 मिनट तक पकाएंगे। आलू के मसाले में पानी ऐड नहीं करना है। एक कटी हुई धनिया पत्ती डालकर अच्छे से मिला लेंगे और आलू के मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे।
आधा घंटा के बाद आटा अच्छे से सेट हो चुका है। चकले पे थोड़ा तेल लगाएंगे और आटे को अच्छे से मसल लेंगे। इस तरह से इसकी बराबर लोइयां बनाएंगे। इंग्रेडिएंट की लिस्ट आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। लोई को हम गोल बनाएंगे। और फिर आटा लगा के इसको बेलेंगे। ध्यान रहे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। ये देखिए इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए। सारी रोटियां बेल के तैयार है। पैन गरम होने के बाद रोटी को डालेंगे। रोटी एक साइड सीख चुकी है। अब इसको पलटेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे। पलटने के बाद तुरंत हमें आलू का मसाला डालना है। चारों तरफ रोटी पे अच्छे से फैलाना है। इसी तरह आलू का मसाला रोटी पे फैलाना है। फिर ऊपर से थोड़ा धनिया पत्ती डालेंगे। अब इस पर बेसन का घोल डालेंगे। घोल ज़्यादा नहीं डालना है। चारों तरफ चम्मच से फैलाएंगे। इसी तरह हमें फैलाना है। अब इस पर तेल डालेंगे और सिकने के बाद हम इसे अच्छे से पलटेंगे। पलटते समय आपको ध्यान रखना है। चारों तरफ से प्रेस कर देंगे। थोड़ा ऊपर तेल लगाएंगे। लो फ्लेम पे इसे सेकेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से सिक चुकी है। अब इसे कट करेंगे। अब इसे पिज्जा की तरह कट करेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सिक चुकी है। अब इसी तरह से हम कट करेंगे। गुड़ इमली की खट्टी मीठी चटनी हम डालेंगे और चारों तरफ फैला देंगे। छोटे बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती, चाट मसाला, सारी चीज़ों को हम बारीक कट करेंगे। ऊपर से बीकानेरी सेव या जीरो साइज सेव आप डाल सकते हैं। बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक ही कटे हुए प्याज, धनिया पत्ती, फिर ऊपर से इमली की चटनी डालेंगे। बीकानेरी सेव की जगह आप जीरो साइज सेव ले सकते हैं। तैयार है शाही पूड़ी। आप इसे घर पर ज़रूर बनाइए।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी।